बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं ताकि इसका सीधा लाभ चुनावी मैदान में मिले। नीतीश ने कैबिनेट बैठक के बाद यह ऐलान किया था कि हम 16 लाख रोजगार का सृजन करेंगे और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। कहा यह गया था कि सबसे ज़्यादा बहाली शिक्षा विभाग में निकाली जाएगी, इसका नज़ारा देखने को मिला है। शिक्षा विभाग में इससे पहले भी शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन अब एक बार फिर से 1.5 लाख पदों पर भर्ती निकाली गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बात की सूचना दी और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग में बहाली निकालने जा रहे हैं और इसकी संख्या इस बार 1.5 लाख है। इससे पहले भी 3 चरण में शिक्षकों की बहाली हुई है, TRE 1, TRE 2 और TRE 3। अब शिक्षकों की बहाली 1.5 लाख पदों के लिए होगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसमें प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। ये 3 कैटेगरी के शिक्षक हैं, यानी कि जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं वैसे शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक, इन लोगों की बहाली होगी, जिसके लिए सुनील कुमार यानी कि बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में हर वो काम करवा देना चाहते हैं जिसका सीधा लाभ नीतीश को आने वाले चुनाव में मिले। नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि 7 निश्चय पार्ट 2 का जो बचा हुआ काम है उसे भी आप जल्द से जल्द करवा लीजिए, ताकि इस काम का लाभ नीतीश बखूबी आने वाले चुनाव में उठा पाए। नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि हम ना केवल नौकरी देंगे, यानी कि ना केवल सरकारी नौकरी देंगे, बल्कि इसके अलावा रोजगार का भी सृजन किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, इसके अलावा और भी पदों पर रोजगार के सृजन किए जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि सबसे ज़्यादा बहाली हम शिक्षा विभाग में करेंगे, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, और भी कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर बड़ी बहाली निकाली जाएगी, बड़े पैमाने पर ये बहाली होगी और इसका सीधा लाभ नीतीश कुमार को चुनावी मैदान में मिलेगा। हालांकि नौकरी देने के बाद इस पर क्रेडिट वॉर की भी शुरुआत हो गई है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये वही नौकरी है जो नौकरी महागठबंधन की सरकार में हमने साइंटिफिक तरीके से निकाला। जब हम नीतीश कुमार को पहले कहा करते थे कि बिहार में रोजगार दीजिए, तो वो कहते थे कि रोजगार कहाँ से आएगा, क्या तेजस्वी यादव अपने पिता के घर से पैसे लाएंगे और उसके बाद लोगों को सैलरी देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जब सरकार में आए, यानी कि जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, उसके बाद हमने साइंटिफिक तरीके से नीतीश कुमार को बताया, हमारे अधिकारियों ने बताया कि बिहार में कैसे रोजगार लाया जा सकता है, और हम 17 महीने जो बिहार में शासन कर रहे थे इस दौरान हमने रोजगार दिया, और अब जब हम नहीं है सरकार में तो भी हम इतना काम करवा दिए हैं कि वही अगर नीतीश कुमार पूरा करवा दे तो बिहार में और भी रोजगार मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी JDU का ऐसा कहना है कि नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार वालों को रोजगार दिया है। जब महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार के सामने ही तमाम काम हुए, नीतीश कुमार ने ही काम करवाए, और इसका नतीजा है कि बिहार में बहाली निकाली जा रही है। एक बार फिर से शिक्षा विभाग में बहाली निकाली जाएगी, जिसकी संख्या 1.5 लाख है। सुनील कुमार ने कहा कि ये बहाली जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। ये 3 कैटेगरी के शिक्षक हैं जो इसमें शामिल है। इसके अलावा बिहार में चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव कुछ दिनों में आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी सरकार में रहते हुए वो तमाम काम जल्द से जल्द करवा रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में नीतीश जब जनता के बीच जाएं तो नीतीश ये गिनवा पाए कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या कुछ किया है और आने वाले साल में क्या कुछ करने भी वाले हैं। हालांकि अगले साल चुनाव है और इससे पहले 1 साल का वक्त है। इस साल तक तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करेगी। जो पार्टी सरकार में है वो सरकार के काम को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाएगी, ताकि चुनावी मैदान में इस काम के भरोसे वोट इकट्ठा किया जा सके। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।